कंगना दे पोस्ट पाउन तो बाद गायक शुभ ने अपनी स्टोरी की डिलीट। पंजाब दे जो मौजूदा हालात ने इन हालातों नू वेखदा होया कई कलाकारा ने अपने सोशल मीडिया ते आके कुछ ना कुछ सांझा जरूर किया है। इसे ते चलदिया ही करण औजला, तरसेम जसड़, दिलजीत दोसांझ ने अते गायक शुभ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ते कुछ सांझा किया सी। दस दिओ तुहानू करण औजला ने कुछ दिन पहला ही अपनी स्टोरी सांझी कीती सी, जिहदे विच लिखिया सी, वाहिगुरु जी सब ठीक करन सच्चे पातशाह सुख रखे। उस तो बाद तरसेम जसड़ होनी भी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, जिदे विच तरसेम जसड़ ने लिखा है, मालक मेहर करे कृपा रखे पंजाब ते। ते फिर दिलजीत दोसांझ ने भी यही स्टोरी सांझी कीती सी, जिदे विच लिखा सी, दिलजीत ने पंजाब मेरा रहे वसदा। करण औजला एक बार फिर तो स्टोरी पाउंदे ने, जिदे विच लिखा है, बिना सोचा तुरिया नू नेड़े की ते दूर की, पहला दुख भुलिया नहीं होर होना चूर की, उन्हूं ही पता हुंदा जिहड़ा हुंदा मजबूर की, पंजाब ते पंजाब दीआं मावां दा कसूर की। ये सारिया स्टोरियां तो कलाकारा ने शेयर कर दित्तियां, पर गायक शुभ की जो स्टोरी है वो चर्चा का विषय बन गई है। शुभ ने इंडिया का मैप साझा किया है, जिदे ते शुभ ने लिखा प्रे फॉर पंजाब। तो फिर यही स्टोरी कंगना रनौत की जो नज़रों के आती है, तो कंगना रनौत इस स्टोरी नू पा के लिखती है, ये खालिस्तानी वायरस वाली बीमारी वहाँ काफ़ी पंजाबी सेलिब्रिटीज़ को पकड़ी हुई है। बी हेडिंग इंडिया इन इट्स मैप शुड हैव सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसिस, GOI must make strong laws against such criminals. दो दिन जेल की हवा खिला के इनके दिमाग के खालिस्तान में आंसर भर दो, fill in the blanks कर दो इन सब का। कंगना रनौत की स्टोरी सांझी करने तो बाद शुभ ने यह स्टोरी डिलीट कर दी। उस तो बाद शुभ ने लिखा प्रे फॉर पंजाब। कंगना रनौत की जेकर गल करिए, तो कंगना रनौत इन्होंने दिनों के पंजाबी गायका के मगर पई हुई है, खास करके दिलजीत दोसांझ दे, अते बार बार दिलजीत दोसांझ नू अपने सोशल मीडिया से टैग करके दिलजीत तो जवाब मांगती पई है। शुभ की इस स्टोरी बारे थोड़ा की कुछ कहना है, तुसी अपनी राय जरूर दिओ, तो देखते रहो रंगला TV। कंगना दे पोस्ट पाउन तो बाद गायक शुभ ने अपनी स्टोरी की डिलीट। पंजाब दे जो मौजूदा हालात ने इन हालातों नू वेखदा होया कई कलाकारा ने अपने सोशल मीडिया ते आके कुछ ना कुछ सांझा जरूर किया है। इसे ते चलदिया ही करण औजला, तरसेम जसड़, दिलजीत दोसांझ ने अते गायक शुभ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ते कुछ सांझा किया सी। दस दिओ तुहानू करण औजला ने कुछ दिन पहला ही अपनी स्टोरी सांझी कीती सी, जिहदे विच लिखिया सी, वाहिगुरु जी सब ठीक करन सच्चे पातशाह सुख रखे। उस तो बाद तरसेम जसड़ होनी भी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, जिदे विच तरसेम जसड़ ने लिखा है, मालक मेहर करे कृपा रखे पंजाब ते। ते फिर दिलजीत दोसांझ ने भी यही स्टोरी सांझी कीती सी, जिदे विच लिखा सी, दिलजीत ने पंजाब मेरा रहे वसदा। करण औजला एक बार फिर तो स्टोरी पाउंदे ने, जिदे विच लिखा है, बिना सोचा तुरिया नू नेड़े की ते दूर की, पहला दुख भुलिया नहीं होर होना चूर की, उन्हूं ही पता हुंदा जिहड़ा हुंदा मजबूर की, पंजाब ते पंजाब दीआं मावां दा कसूर की। ये सारिया स्टोरियां तो कलाकारा ने शेयर कर दित्तियां, पर गायक शुभ की जो स्टोरी है वो चर्चा का विषय बन गई है। शुभ ने इंडिया का मैप साझा किया है, जिदे ते शुभ ने लिखा प्रे फॉर पंजाब। तो फिर यही स्टोरी कंगना रनौत की जो नज़रों के आती है, तो कंगना रनौत इस स्टोरी नू पा के लिखती है, ये खालिस्तानी वायरस वाली बीमारी वहाँ काफ़ी पंजाबी सेलिब्रिटीज़ को पकड़ी हुई है। बी हेडिंग इंडिया इन इट्स मैप शुड हैव सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसिस, GOI must make strong laws against such criminals. दो दिन जेल की हवा खिला के इनके दिमाग के खालिस्तान में आंसर भर दो, fill in the blanks कर दो इन सब का। कंगना रनौत की स्टोरी सांझी करने तो बाद शुभ ने यह स्टोरी डिलीट कर दी। उस तो बाद शुभ ने लिखा प्रे फॉर पंजाब। कंगना रनौत की जेकर गल करिए, तो कंगना रनौत इन्ह दिनों के पंजाबी गायका के मगर पई हुई है, खास करके दिलजीत दोसांझ दे, अते बार बार दिलजीत दोसांझ नू अपने सोशल मीडिया से टैग करके दिलजीत तो जवाब मांगती पई है। शुभ की इस स्टोरी बारे थोड़ा की कुछ कहना है, तुसी अपनी राय जरूर दिओ, तो देखते रहो रंगला TV।